स्थानीय आर्य नगर में अवैध शराब पकड़ने गई ठेकेदार व एक्साइज विभाग की टीम पर शराब बेचने वालों द्वारा हमला कर एक्साइज विभाग की गाड़ियां भी तोड़ दी गई। हमले में ठेकेदारों के जहां कुछ कर्मचारी घायल हो गए, वहीं टीम द्वारा सैकड़ों बोतलें नाजायज शराब बरामद की गई। सिविल अस्पताल में उपचाराधीन शराब ठेकेदार के कारिंदे किशोर कुमार व शिवराजवासी ने बताया कि उसको सुबह लगभग 12 बजे सूचना मिली कि आर्य नगर मोहल्ला छजबन में कुछ लोग ब्लैक में शराब बेचते हैं, जिसके बाद ठेकेदार के कारिंदे एक्साइज इंस्पेक्टर विजय खेड़ा व CIA स्टाफ के साथ रेड करने चले गए तथा पुलिस ने शराब को कब्जे में लेना शुरू किया तो पीछे से कुछ व्यक्तियों ने उनसे कहा कि शराब ठेकेदार के कारिंदे बाहर चले गए। उक्त व्यक्तियों ने अंदर से घर को दरवाज़ा लगा लिया तथा उनको बाहर घेरा डालकर लगभग 40 व्यक्तियों ने हमला कर दिया। उक्त हमले में वह दोनों घायल हो गए तथा आरोपियों ने विभाग की 8 गाड़ियां तोड़ दी। हमला करने के बाद उक्त आरोपी वहां से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना थाना सिटी को मिलने के बाद पुलिस शराब को थाना सिटी ले गई तथा घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सर जी उत्ते दारू बेचते ने ब्लैक करते ने जी, तो सानू सूचना मिली खेड़ा इंचार्ज है जी एक्साइज इंस्पैक्टर साहब विजय खेड़ा जी, उन्होंने नाल गए जी, वो अंदर रेड करन चले गए, मुड़ के पिछों आके जी इन्होंने सारे गड्डियां ते हमला करता, गड्डियां तोड़तियां जी, ते साडे इन्होंने सट्टा मारियां। किन्ने गड्डियां साडे कोल? साडे कोल जी 7-8 गड्डियां सीगियां जी। अज असी रेड मारन गए सी छजबन्नियां दे मल्ले आर्या नगर, ते उत्थे खबर मिली सी दारू आई है ब्लैकियां दी, ते जदों रेड मारन गए मुलाजमां दे नाल तां इन्हां ने हमला करता। अगों मुलाजम अंदर गए, इन्हां ने पहला कहा ठेकेदारां दे बंदे नहीं जाणगे अंदर, असीं बाहर खड़ो गए, मुलाजम अंदर सीगे, इन्हां ने बाहर साडे ते हमला करता। हमला करन वाले हैगे सी 30-35 जने हैगे सी 40 जने। किसे बंदे पहचानदे हो? हांजी सारिआं नूं पहचानने। नां नूं पता कितना दा हैगा सी? मंगल हैगा सी, राजन, सांप, राहुल और कृष्ण, रमन और ये सारे ही हैगे सीगे। इस संबंधी जानकारी देते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर नरेश खेड़ा ने बताया कि दोपहर लगभग 12 बजे उनको गुप्त सूचना मिली थी कि आर्य नगर में एक मकान में अवैध शराब लाकर बेची जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक्साइज विभाग की टीम पुलिस व शराब ठेकेदारों के कारिंदों सहित मौके पर पहुंचकर लगभग 128 बोतल अवैध शराब कब्जे में ले ली गई। इस दौरान मौके पर शराब बेचने वालों द्वारा उन पर हमला करके विभाग की 8 गाड़ियां तोड़ दी। असी लगभग जी अलग-अलग 4 घरां दे विच रेड कीता, छापेमारी तां तकरीबन काफ़ी की असी, पर जिन्हां दे घरों माल मिलिया सानूं लगभग 130 बोतलों के करीब सानूं टोटल शराब बरामद हुई है। ये कितों फड़ी गई सर? ये आर्या नगर है फाजिलका दे विच, जो छजबन्नियां दा मोहल्ला वजदा है उत्थों फड़ी गई। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੇਡ ਵਰਕ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਡ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਟੀਮ ਸੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਸ
ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਵੀ ਤੋੜਤੇ ਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ।